भारत चीन युद्ध, एक नए दुखों का सैलाब। उस वक्त ये आवाज भारत के लाखों लोगों की आवाज बनी और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े। सन 1969 में भारत सरकार ने इस महान आवाज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया।